जनपद में बिहार और प्रयागराज में अभ्यर्थियों के उपद्रव को देखते हुए रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है, जिसके संबंध में रेलवे आरपीएफ के प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इंटेलिजेंस से सूचना प्राप्त हुई थी कि शुक्रवार को रेलवे स्टेशन को हाईजेक कर लिया जाएगा, जिसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें स्थानीय आरपीएफ, जीआरपी, पीएसी व लोकल पुलिस शामिल है, जिससे किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद के कैंट, नकहा जंगल, डोमिनगढ़ और जगतबेला रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे लाइन पर भी फोर्स लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी स्टेशन पर आंदोलन की सूचना नहीं आई है, लेकिन हर तरह से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरपीएफ के थाना प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा तथा नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार ने कहा, Jammu Tavi has just arrived on platform number गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक्सप्रेस जम्मू तवी को जाने वाली एक्सप्रेस जम्मू 4 यात्रियों का स्वागत करता है। किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है? वो जो न्यूज फोरकास्ट से कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था कि आज के डेट में 28 तारीख को गोरखपुर स्टेशन हाईजैक किया जाएगा, इसको लेके विशेष एहतियातन रखा गया है, जिसमें स्थानीय आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस, पीएससी सभी की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो सके। लगभग 250 से 300 फोर्स हैं यहाँ पे पूरे गोरखपुर जनपद में, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है, गोरखपुर छावनी, डोमिनगढ़, जगतबेला, नखा जंगल, सभी जगह तैनाती है। सर, अभी तक कहीं से कुछ इस तरह की कोई सूचना नहीं? अभी तक पूरा पीसफुल है और भविष्य में भी आज पूरा दिन भी आशा है कि ऐसे ही पीसफुल रहेगा। ये सूचना आई हुई थी कि यहाँ पे छात्रों का जो ग्रुप है वो प्रदर्शन या फिर कुछ भी रेल रोको आंदोलन टाइप का कुछ कर सकता है, तो इसके लिए एडीएम सिटी साहब की तरफ से मुझे नामित किया गया है यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में, कि यहाँ पर कोई भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाए और इस तरह कोई घटना घटित ना होने दिया जाए। इसके लिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि हर जगह पुलिस तैनात है और आरपीएफ की टीम भी तैनात है, तो इस तरह कोई घटना होगी नहीं। सूचना यही आई थी कि रेल रोकने का प्रयास किया जाएगा, फिलहाल सूचना अब नहीं मिल रही है कि ऐसा कुछ करने के लिए कोई विचार बना रहा है। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं वहाँ पर बल पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना के लिए हमारी फोर्स पर्याप्त मात्रा में है और ऐसी कोई घटना घटित नहीं होने दी जाएगी। नहीं, ट्रेन सब सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।